हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। और गाइज, मैं आज अपनी इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ एपिक्स लेजेंड मोबाइल के प्राइवेट बीटा को लेकर। अभी गाइज प्राइवेट बीटा के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, या फिर आप इनडायरेक्टली प्राइवेट बीटा की लीक्स भी उसे बोल सकते हो। अभी गाइज जो लीक्स मैं आपको बताऊँगा वो हमें अपने ग्लोबल वर्जन यानी कि नेक्स्ट ओपन बीटा में देखने के लिए ज़रूर से मिलने वाली है। तो गाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, काफ़ी कुछ आपको नया पता लगने वाला है। तो गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में हर वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो गाइस हमारा जो प्राइवेट बीटा है, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि वो चल रहा है, और गाइस 2 से 3 घंटे के लिए उसके सर्वर पर डे ओपन होते हैं, यानी कि हर दिन 2 से 3 घंटे चलते हैं, देन उसके बाद में क्लोज्ड हो जाते हैं। और गाइस जो प्राइवेट बीटा है वो 17th को यानी कि इसी 17 तारीख को क्लोज्ड होगा। और गाइस मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि भाई जो नेक्स्ट अपना ओपन बीटा को तो आने ही वाला है, 22 नवंबर को बताया जा रहा है। अभी गाइस देखते हैं कि 22 नवंबर को मैं देखने के लिए मिलेगा या नहीं। अभी बात करें हम अपने लीक्स की, तो यहाँ पर सबसे जो बड़ा जो मेजर चेंज हुआ है वो है गाइस लॉबी को लेकर। अभी गाइस यहाँ पर जो लॉबी है पूरी तरीके से अपडेटेड हो चुकी है, यानी कि पूरी तरीके से चेंज हो गई है। नया इंटरफेस हमें लॉबी में देखने के लिए मिलने वाला अपने नेक्स्ट ओपन बीटा के अंदर। साथ ही साथ जो सेकेंड कन्फर्म लीक है वो गाइस किंग्स कैनियन मैप को लेकर है, जो कि गाइस 101% कन्फर्म है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि गाइस जो प्राइवेट बीटा जिनको मिल चुकी है एक्सेस, उन्होंने भाई ये कंफर्म कर दिया है, वो खेल चुके हैं इस किंग्स कैनियन मैप को, जिससे कि ये कंफर्म होता है कि ये मैप हमें ज़रूर से देखने के लिए मिलने वाला है। अभी गाइस बात करें इसके अलावा कुछ लेजेंड्स की, यानी कि गाइस यहाँ पर हमें कुछ नए लेजेंड्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि गाइस आने वाले ओपन बीटा में पता चलने वाला है। वैसे कि तो इनडायरेक्टली बोलूँ गाइस तो ऑल लेजेंड्स ही हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि हमें देखने के लिए मिलते हैं एपिक्स लेजेंड मोबाइल के अंदर। और साथ में हो सकता है कि इसके अलावा कुछ एक दो लेजेंड्स और ऐड कर दें ये एपिक्स लेजेंड में, तो वो आने वाले टाइम पर पता चलता है। लेकिन गाइस अभी जब ये ओपन बीटा आ जाएगा तब हमें और अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या कुछ नया ऐड किया। लेकिन गाइस ये हमें जो पिछले टाइम पर जो लेजेंड्स मिले थे देखने के लिए अपने पिछले प्रीवियस बीटा के अंदर, वही लेजेंड्स हमें इसमें भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। अभी गाइस मैं बात करूँ यहाँ पर आपको बीटा की, यानी कि ग्लोबल बीटा की, तो वो ग्लोबल बीटा एंड्रॉयड और iOS दोनों में ही देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी और एक गुड न्यूज़ आप बोल सकते हो। iOS यूज़र्स काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे भाई एपिक्स लेजेंड मोबाइल का, कि कब तक हमें खेलने के लिए मिलेगा, कब आएगा, तो भाई फाइनली आ चुका है। अभी आपको जो नेक्स्ट ओपन बीटा है वो आपको देखने के लिए मिलेगा iOS के लिए भी, तो आप उसे iOS में भी डेफिनेटली खेल पाओगे। तो गाइस ये 3 मेजर लीक्स थी, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हो एक तरीके से तड़कती भड़कती थी, तो भाई मुझे बताना ज़रूरी था, जो कि मैंने बता दिया है। और गाइस मेक श्योर कि आपको भी ये लीक्स पसंद आई होंगी, तो गाइस प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक एक लाइक से काफ़ी मोटिवेशन हमें मिलता है। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि भाई यहाँ पर जो अपना नेक्स्ट ओपन बीटा है वो अगर iOS के लिए देखने के लिए मिलता है, तो इसका मतलब है गाइस बहुत ही जल्दी हमें अपना जो ग्लोबल वर्जन है वो भी हमें बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि गाइस आप सभी लोगों को पता है कि भाई iOS के अंदर बहुत कम ही बीटा वर्जन रिलीज़ किए जाते हैं, iOS के अंदर ग्लोबल ही वर्जन होता है जो कि डायरेक्टली आता है एप स्टोर पर। बहुत ही कम बीटा वर्जन जो है वो iOS में रिलीज़ किए जाते हैं। लेकिन गाइस अभी कंपनी अगर रिलीज़ कर रही है iOS के अंदर अपना जो है वो ग्लोबल बीटा, तो मे बी हो सकता है कि गाइस अपनी लास्ट स्टेज पर वो एपिक्स लेजेंड मोबाइल, और बहुत ही जल्दी हमें अपना ग्लोबल वर्जन देखने के लिए मिल जाए। तो आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट में लिख के बताना। और गाइस बस यही छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं वही वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।